कौन लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है, कौन लोग संविधान को कॉपी पेस्ट कहता है। वो हमें मारना नहीं चाहते हैं भाइयों, वो हमें मजदूर बनाना चाहते हैं। वो हमें ठेला वाला, रिक्शा वाला, दवाई वाला, सफाई वाला, सब्जी बेचे, मजदूरी करे, घर में काम करे, खेत में मजदूरी करे, उनको दिक्कत है हमारे कलेक्टर बनने से, एसपी बनने से, डीएम बनने से, जज बनने से, नेता बनने से। तो आप जैसे ही बड़े लाइन में जाएंगे, बड़ा नाम कमाना चाहेंगे, खिलाड़ी बनना चाहेंगे, फिल्मों में जाना चाहेंगे, कलेक्टर एसपी बनना चाहेंगे, बिजनेसमैन बनना चाहेंगे, ये लोग आपकी जाति ढूंढते हैं और उसके बाद आपका अंगूठा काट लेते हैं, आपका इंटरव्यू में नंबर काट लेते हैं। ये लोग घोर जातिवादी है। जब तक इस देश में कोई दलित अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा। अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है यूपी में, हजारों ऐसे जगह है। जब तक इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन जो अम्बेडकरवादी हो, जब तक सत्ता में नहीं जाएगा, हमारी दुर्गति दूर नहीं होगी, हमारे दिन नहीं बदलेंगे। क्योंकि सत्ता की चाबी ही हमको व्यापार, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाएगा। आज जिनके पास सत्ता है वो स्कूल बंद कर रहे हैं, अस्पताल बंद कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। हमारा केस दर्ज नहीं होता है, थाना भी उनका है, कोर्ट भी उनका है, संसद में भाई बैठे हैं। इसलिए दोस्तों, बिहार में जाति जनगणना हुआ है, 100 में 90 हमारी आबादी है, और बाबा साहब के अम्बेडकरवादी विचारों को मजबूत करना है। आप सही आदमी को वोट कीजिए और संसद भेजिए, तभी आपका आरक्षण बचेगा, तभी सरकारी नौकरी बचेगी, और तभी संविधान बचेगा, और तभी अगली बार हम लोग बाबा साहब की जयंती मना पाएंगे। नहीं तो इस बार मनुवादी दिल्ली में आ गए तो ये संविधान बचाने के लिए अगली बार अम्बेडकर जयंती भी मनाइएगा, इसकी गारंटी नहीं है, हमसे लिखवा लीजिए। बहुजनों को संसद भेजना है, और वैशाली में तो जरूर बदलाव कीजिए, वहां चित भी उनका है, पट भी उनका है। बहुजन समाज जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, और सच मानिए कि हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहते इतिहास में। आप सबको पता है आजादी से पहले क्या क्या हुआ, संविधान से पहले मनुस्मृति था तो क्या क्या हुआ, हमारे पुरखों के साथ क्या क्या हुआ। हम लोग 75 साल की बात कर ले, थोड़ा सा हिसाब किताब कर ले, और चूंकि चुनाव का साल है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको सबसे बड़ा हथियार दिया है वो दिया है संविधान और वोट की ताकत। और आज पूरे देश में बहस चल रही है कि संविधान खतरे में है, अगली बार चुनाव नहीं होगा। तो आप सोचिए कि अगर बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया और अगली बार चुनाव ही नहीं होगा तो संविधान तो बचेगा नहीं, और अब बाबा साहब तो आएंगे नहीं, अब बाबा साहब तो आएंगे नहीं। उन्होंने तो अपना काम किया, संविधान दिया, वोट का अधिकार दिया, अगर उसको हम लोग नहीं बचा पा रहे तो हमारी नाकामी है। तो बाबा साहब के जो सबसे बड़ा, बाबा साहब ने हमको हथियार दिया है, बाबा साहब सब देके गए हैं। बाबा साहब ने फूले, पेरियार, तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास सबको पढ़ा, और उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी और वोट का अधिकार दिया। तो अभी वोट का अधिकार का समय आ गया है भाइयों। अब सोचिए कि आपका वोट किसको जाएगा। दो तरह के लोग हैं, एक मनुवादी लोग हैं और एक बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो आप लोगों को बहुत सोच समझकर वोट करना है, जहां के भी आप वोटर हो, जिसको भी चुनना हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा कार्यक्रम जो आज हो रहा है, अगली बार होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सोचिए, अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है यूपी में, हजारों ऐसे जगह है, मुझे फोन आते हैं, जहां बाबा साहब की जयंती के लिए परमिशन नहीं दिया गया। क्यों क्यों डर है उनको? हम लोग तो नहीं कहते किसी को कि मत करो, जिसको जो करना है करो, लेकिन हमें कहा जाता है कि बाबा साहब की जयंती मत मनाओ, संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती मत मनाओ, ये है मनुवाद। तो मैं कह रहा हूं, आज के समय में सत्ता की चाबी जो है वो हर दरवाजे का, हर मतलब आपकी जो सत्ता की जो चाबी है वही आपके रास्ते खुलेंगे। आज आपको मजदूर बनाया जा रहा है, वो चाहते हैं, वो हमें मारना नहीं चाहते हैं भाइयों, वो हमें मजदूर बनाना चाहते हैं। वो हमें ठेला वाला, रिक्शा वाला, दवाई वाला, सफाई वाला, सब्जी बेचे, मजदूरी करे, घर में काम करे, खेत में मजदूरी करे,
उनको दिक्कत है हमारे कलेक्टर बनने से, एसपी बनने से, डीएम बनने से, जज बनने से, नेता बनने से। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अब समय है और जिसके पास सत्ता रहेगी उसी का इस देश पर राज चलेगा, वही व्यापारी बनेगा, वही कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा। आरक्षण खत्म होने की कगार पर है बाबा, पीछे क्या हुआ 75 साल पहले उसको भूल जाइए। आज के समय में अगर आपको खिलाड़ी बनना है, आपने देखा सूर्य कुमार यादव से ये लोग 10 साल तक पानी पिलवाया, रिंकू सिंह को खेलने का मौका नहीं दे रहा था, तो आप जैसे ही बड़े लाइन में जाएंगे, बड़ा नाम कमाना चाहेंगे, खिलाड़ी बनना चाहेंगे, फिल्मों में जाना चाहेंगे, कलेक्टर एसपी बनना चाहेंगे, बिजनेसमैन बनना चाहेंगे, ये लोग आपकी जाति ढूंढते हैं और उसके बाद आपका अंगूठा काट लेते हैं, आपका इंटरव्यू में नंबर काट लेते हैं। ये लोग घोर जातिवादी है। और सबसे बड़ी बात, ये इसका एक ही इलाज है, जब तक इस देश में कोई दलित अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब का इस तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में इन लोगों ने 2000 सालों तक हमें जातियों में बांटकर राज किया, हम लोगों को जातियों में बांट दिया। दलित समाज की हजारों जातियां हैं, पिछड़े समाज की कुर्मी, कुशवाहा, यादव, तमाम जातियों में हमको बांटा और राज किया। और जब बाबा साहेब ने हमको नाम दे दिया कि हम जाति नहीं है, जाति खत्म हो गई, उन्होंने कहा कि हम बहुजन हैं, हम एससी एसटी ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक हैं, तब इन लोगों ने हमको पार्टियों में बांट दिया। तो पहले जाति में बांट के राज किया, अब पार्टी में बांट के राज किया, तो बाबा साहब का संविधान का सपना कैसे पूरा होगा? बाबा साहब का जो अंतिम हथियार है वोट का अधिकार, वो बहुत सोच समझ के कीजिए, और जो बहुजन है उसी को वोट दीजिए, नहीं तो कोई भी मनुवादी को आप वोट देंगे, पार्टी कोई हो, पार्टी कोई हो, कौन लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है, कौन लोग संविधान को कॉपी पेस्ट कहता है, उन लोगों की पहचान कीजिए। और जो मनुवादी है, पार्टी कोई हो, पैसा देके टिकट लेके आता है, भेष बदल कर आता है, अगर आपने उसको भाई साहब वोट दे दिया और वो संसद चला, अभी देखे है ना एक मुन्ना शुक्ला का भाषण आया है जातिवादी, इसको संसद नहीं जाने देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं बाबा साहब ने हमको कहा है कि राजा रानी अब पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा, तो बहुत सावधानी से वोट कीजिए। और वोट का समय है और ये यही बाबा साहब का अंतिम हथियार है, वोट का चोट देना है, और तमाम बहुजनों को जिताइए और नई लकीर खींचिए, और आप बड़े सपने देखिए बाबा साहब की तरह, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, खिलाड़ी बनना है, सिनेमा में जाना है, बिजनेसमैन बनना है। जब तक आप लोग ये सपने नहीं देखेंगे, इस देश में जो मनुवादी हैं वो चाहते हैं कि आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, मजदूरी कीजिए, इन सब से निकलने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई और व्यापार। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, बहुजन समाज के लोगों से, इन युवाओं से, बहुत संख्या में युवा है और ये शानदार बात है, नशा छोड़ दीजिए। और रोज हुसैन बोल्ट का नाम सुने हैं, जो 100 मीटर 200 मीटर का रेस जीतता है, हुसैन बोल्ट। तमाम जो ब्लैक समुदाय के लोग हैं, अपना फिजिकल वर्क कीजिए, हम लोग शरीर से मजबूत हैं, रोज 1.5 घंटा सुबह एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, तब जाकर आपको इस देश में सम्मान मिलेगा। दो ही काम करना है, या तो जमकर पढ़ाई, अगर घर में खाना है, पिताजी कमा रहे हैं, तो जमकर पढ़ाई और जमकर कसरत कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। और अगर आपके पास खाना नहीं है, पिताजी के पास संपत्ति नहीं है, जो हम लोग की स्थिति है, तो एक काम कीजिए, एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए, कमाइए, उससे भी देह मजबूत होगा, और जमकर पढ़ाई कीजिए और जमकर कमाइए, और तब भी आपके जीवन के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि बहुजन समाज के नेता जो भी लोग निकले हैं वो मेहनत से निकले हैं। तो आप एक बात सुन लीजिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जीभ चलाना शुरू कीजिए, मेहनत करना शुरू। हम लोग मेहनती हैं, खेत हम जोतते हैं, सर के हम बनाते हैं, बस हम लोग को बोलने नहीं आता है रे भाई, और डर जाते हैं। तो बोलना है हम लोगों को, जमकर बोलना है, पढ़ना लिखना है, जमकर बोलना है और जमकर राजनीति करनी है। बाबा साहब राजनीति न किए, कानून मंत्री बने, संसद गए, तब ना अधिकार दिलाया, नहीं जाते तो नहीं दिलाते।
तो मेरे भाई ने कहा कि राजनीति पर बात नहीं होगी, अगर राजनीति पर बात नहीं होगी तो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। जब तक इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन, जो अंबेडकरवादी हो, जब तक सत्ता में नहीं जाएगा, हमारी दुर्गति दूर नहीं होगी, हमारे दिन नहीं बदलेंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी ही हमको व्यापार, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाएगा। आज जिनके पास सत्ता है वो स्कूल बंद कर रहे हैं, अस्पताल बंद कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, हमारा केस दर्ज नहीं होता है, थाना भी उनका है, कोर्ट भी उनका है, संसद में भाई बैठे हैं। इसलिए दोस्तों, बिहार में जाति जनगणना हुआ है, 100 में 90 हमारी आबादी है, और बाबा साहब के अंबेडकरवादी विचारों को मजबूत करना है। आप सही आदमी को वोट कीजिए और संसद भेजिए, तभी आपका आरक्षण बचेगा, तभी सरकारी नौकरी बचेगी, और तभी संविधान बचेगा, और तभी अगली बार हम लोग बाबा साहब की जयंती मना पाएंगे। नहीं तो इस बार मनुवादी दिल्ली में आ गए तो ये संविधान बचाने के लिए अगली बार अंबेडकर जयंती भी मनाइएगा, इसकी गारंटी नहीं है, हमसे लिखवा लीजिए। और एक बात और, मनुवादी भेष बदल कर आता है, जब वो देखेगा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की पार्टी में वोट ज्यादा है, तो वो 100-200 करोड़ में टिकट खरीद के आता है। उन मनुवादियों से भी सावधान रहिए, पार्टी भले अपना हो, लेकिन अगर मनुवादी वहां से चुनाव लड़ रहा है तो उसको भी हराइए और किसी बहुजन को जिताइए, चाहे वो अपने किसी छोटी पार्टी से हो या निर्दलीय क्यों ना हो। अगर आपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर से गुलाम होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस देश के मनुवादी, जातिवादी जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ सकते हैं तो हम लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे, तो सोच लीजिए। तो मूर्ति तोड़ने वालों से सावधान रहना है, बहुजन नेताओं को जगदेव बाबू के हत्यारों से सावधान रहना है, बाबा साहब को, जो लोग बाबा साहब को अपमान करते हैं उनसे सावधान रहना है, और जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं उनसे सावधान रहना है। और इस बार वोट के चोट से बहुजनों को अधिकार बना सरकार बनानी है, बहुजनों को संसद भेजना है, और वैशाली में तो जरूर बदलाव कीजिए, वहां चित भी उनका है, पट भी उनका है, दोनों तरफ वही है। अगर संसद में संविधान पर वोट होगा तो दुन्नू कहां जाएगा आप लोग देख लीजिए। इसलिए वैशाली में चित भी और उनकी और पट भी उनकी, तो वैशाली में इस बार बहुजनों को जिताइए। आप लोग बहुत वैशाली के भी होंगे तो राजनीतिक बात अगर बाबा साहब के मंच पर नहीं कीजिएगा तो बाबा साहब के सपनों का भारत, संविधान का भारत नहीं बन पाएगा, और अगला बार बाबा साहब की जयंती भी नहीं मना पाएंगे, और ये लोग हमको फिर से गुलाम बना लेगा, मजदूर बना लेगा। तो बाबा साहब का जो अंतिम हथियार है वोट का अधिकार, उसका सही इस्तेमाल करके दिल्ली पर कब्जा कीजिए, और तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी, तब जाकर आपको रोजगार मिलेगा, और तब जाकर अगली बार बाबा साहब की जयंती भी मनेगी, और तब जाकर संविधान बचेगा, और तब जाकर हमारा और आपका भविष्य बचेगा, हमारा परिवार बचेगा, और जब परिवार ही नहीं बचेगा तो हम कहां बचेंगे। बुद्ध ने, जिनको बाबा साहब ने अपना गुरु माना है, जो ये बुद्धा के नाम से स्टडी पॉइंट बनाते हैं, बुद्ध ने कहा है कि सबसे पहले हेल्थ, फिर समाज, और पैसा तो छठ मार के आएगा। तो आप लोग अपने आप को मजबूत बनाइए मानसिक रूप से, अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत बनाइए पढ़ाई लिखाई करके, शारीरिक रूप से मजबूत बनाइए कसरत करके, और उसके बाद समाज के लिए जब काम कीजिएगा तो पैसा तो छठ मार के आएगा। तो इस बार बहुजनों का राज होगा, और मनुवादियों को बाहर फेंकना है, और बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के वोट के अधिकार को बचाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत, और बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भीम। शुक्रिया।